हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इस समरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ नंबर लिखा होता है। ये इसकी वैल्यू नहीं होती दोस्तों, ये इसका कोड होता है। तो आज हम समझेंगे इस कोड से इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैसे तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अरे, मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा सीधा सा तरीका बताऊंगा जिससे आप रेजिस्टेंस को देखते ही बता देंगे इसकी वैल्यू क्या है। आपको ना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं कि असेंबली रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। ये जो लिखा होता है ये वैल्यू नहीं, कोड होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर क्या लिखा हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है 152। सबसे पहले इसका मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। मैं आप देख रहे हैं इस पर लिखा है 152, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पेपर पर दिखा देता हूँ असेंबली रेजिस्टेंस के ऊपर क्या लिखा था। 152 मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, इस पे लिखा है 152। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहले जो दो कोड होता है, 1 और 5, इसको हम सिंपल सा यहाँ पर 1 और 5 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्या लिखा है, 2, तो यहाँ पर 2 0 लिख देंगे। एक बात आप ध्यान से समझिए, जो भी कोड का वैल्यू निकलेगा वो के में नहीं ओम में निकलेगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 1500 ओम। जब ओम से हमें के में निकालना होता है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1000 से डिवाइड हम क्यों करेंगे, क्योंकि 1000 ओम्स इज इक्वल टू 1K। तो अब जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचा कितना, 15/10। तो 15/10 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5, यानी कि 1.5K। अब कोई दूसरी वैल्यू देखते हैं, जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। आप देख रहे हैं इस पे लिखा 221, ठीक है। 221 की क्या वैल्यू निकलेगी, अब इसको निकाल के देखते हैं। 221 ये लिखा है रेजिस्टेंस का कोड है, ये जो लिखा है ये रेजिस्टेंस का कोड है। तो 221 को पहला डिजिट और दूसरा डिजिट सेम टू सेम रख लेंगे, ठीक है। और जो तीसरा है, जितना भी यहाँ डिजिट लिखा है उतना 0 लगा देंगे। तो 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे और वैल्यू क्या आ गई, ओम में ही, ये हो गया 220 ओम। जब 1000 ओम्स के नीचे होता है तो हम उसकी वैल्यू ओम्स में गिनती करेंगे, 1000 के ऊपर चला जाएगा तो उसको हम के में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ओम्स में है 220 ओम, 1000 से नीचे है तो ये 220 ओम ही रहेगा। किसी एक की वैल्यू और निकालते हैं। आप देख रहे हैं 0 लिखा है, 0 का मतलब 0 हो गया, ये जंपर है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये 223, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। आप नंबर देख रहे हैं 223, 223 की वैल्यू क्या होगी, इसको निकाल के हम देखते हैं। मान लेते हैं 223 कोड है, तो 223 में क्या करेंगे, 22 को पहले तो नीचे रख लेंगे, 22, 3 लिखा है लास्ट में, जो 3 नंबर डिजिट है वो 3 है, तो 3 का मतलब 3 0 रख लेंगे, तो हो गया 22000 ओम। इसकी वैल्यू निकल गई 22000 ओम। अब ये 1000 से ज़्यादा है तो इसको के में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 22/1, 1 का कोई मतलब नहीं हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये 22K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप देखते ही बता देंगे क्या वैल्यू हुई है। दोस्तों, अगर किसी रेजिस्टेंस में R लिखा हुआ आ जाता है, जैसा कि ये लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, मैं जूम कर देता हूँ, इस पर आप देखेंगे लिखा है 2R0, तो R का मतलब हो जाता है पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपने देखा उस पर लिखा था 2R0, 2R0 का मतलब हो गया, R का मतलब हो गया पॉइंट 2। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, 2R0, R का मतलब हो जाता पॉइंट, ठीक है। तो 2.0, और मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो ओम में आएगी,
तो इसका मतलब हो गया ये 2 ओम, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 2 ओम। जब भी कहीं आर लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब वो पॉइंट है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। मान लेते हैं कि किसी रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा है 3R0, तो ये पॉइंट हो जाता है। आर जहाँ भी आ जाए पॉइंट हो जाए, आर अगर पहले भी आ जाता है तो उसको पॉइंट ही मानते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 3.0, यानी कि हो गया 3 ओम। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।